विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के लिए आसान नजर नहीं आता। वजह ये है कि इस सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस अब भी असमंजस में है। हो सकता है एक बार फिर कांग्रेस गुटबाजी या भीतरघात की शिकार हो जाए। पिछली बार टिकट ना मिलने से जेवियर मीणा ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद वो निर्दलीय लड़े और 35,000 वोट भी हासिल कर सके। कहा जा सकता है कि मीणा ने ही विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ खुद कांतिलाल भूरिया भी इस चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देना चाहती। अब इन दोनों नेताओं के बीच कांग्रेस कैसे प्रत्याशी का चुनाव करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वैसे तो कोई आसान काम नहीं है। दोनों ही झाबुआ के कद्दावर नेता हैं। किसी एक को अनदेखा कर दूसरे को टिकट देने का फैसला पार्टी पर भारी पड़ सकता है, यानी कांग्रेस के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई। न्यूज़ लाइव एमपी डेस्क। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com www.newslivempcz.com।